आज बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में महापर्व छठ मनाया जा रहा है और छठ पूजा का आज ये तीसरा दिन है। तीसरे दिन आज शाम में डूबते सूर्य को व्रती अर्घ देंगे। आपको हम चार तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें छठ पर्व की कैसे छठा इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रही है। बिहार में पटना के घाट में व्रती पहुंचने लगे हैं। बिहार के औरंगाबाद में भी व्रतियों ने स्नान के बाद पूजा अर्चना की है। साथ ही दिल्ली के आईटीओ के घाट की तस्वीर भी आपके सामने है, जहां श्रद्धालु मौजूद हैं। लखनऊ में भी छठ के मौके पर शहर के घाटों को कैसे सजाया गया, उसकी तस्वीर। अब छठ पूजा के लिए आज सुबह से ही पटना के बाजारों में लोग खरीदारी करने के लिए भी जुटे हुए हैं और छठ की वजह से मंडियों में फलों की कीमत आसमान पर है। पटना से संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ये रिपोर्ट देखिए। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है और आज संध्या अर्घ दिया जाएगा और लोग तमाम जो है वो खरीदारी करने के लिए पहुंच गए हैं बाजार। फल फ्रूट का विशेष महत्व होता है, सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पर फल फ्रूट के मार्केट में देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि गन्ने का भी अपना एक महत्व होता है छठ के समय, और तमाम चीज़ों के कीमतें भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। इस वक्त हम लोग पटना के एक मंडी में मौजूद है, जहाँ पर कि फल और सब्जियों की मंडी है, और यहाँ पर भीड़ आप देख लीजिए, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी लोग दुकानों पर खरीदारी करते हुए आपको दिख जाएंगे। जितने तरह के फल फ्रूट वो प्रसाद में चढ़ा सकते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो चढ़ाएं। भैया क्या भाव चल रहा है यहाँ पे अभी? अभी तो 100 रुपये में दो पीस दिए हमको। 100 रुपये में दो पीस। और आम दिनों में कितने का मिल जाता है? आम तो मान लीजिए हम लोग गांव में लेते हैं तो 60 रुपये में 6 पीस ले लेते हैं, यहाँ पर महंगा है थोड़ा। क्या क्या चीज़ें खरीद रहे हैं आप लोग आज यहाँ पर? खरीद रहे हैं और शरीफा और छठ के लिए। आप तो ग्रीनी हैं, लोग हमेशा खरीदारी करते रहते होंगे, छठ का क्या विशेष प्रभाव है? कुछ ज़्यादा महंगी लग रही है? हाँ, महंगी सामान तो महंगी लग रही है। जैसे? जैसे कि आपके मूली 80 रुपये किलो बिक रही है। ये बताइए केला एक पूरा कितने का आ रहा है? केला पूरा 700 रुपये पड़ेगा। मंडी में कीमतें हैं वो बड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि मौका छठ का है तो वो खरीदारी अवश्य करेंगे और जितनी वैरायटी, जितनी ज़्यादा वैरायटी हो सकती है उतनी ज़्यादा लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए कुणाल के साथ पटना बिहार से मैं अभिजीत ठाकुर।